अस्सलामुअलैकुम, शेफ़ रुचलान से शफ़क बात कर रही हूँ और मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि शेफ़ जो है वो शेफ़्स किचन भी है और उसमें वेजिटेबल और आलू के और इस तरह के समोसे रोल ये सब कुछ आपको बड़े अच्छे आला क्वालिटी में मिलेंगे। मैं भी शाम की चाय के लिए फ्राई करने जा रही थी, तो गैस तो है नहीं, सिलेंडर पर हम लोग लगाते हैं, क्या करें, गैस का इशू बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। अगर कहीं और भी है तो मुझे बताइएगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गैस का इशू है, गैस आती ही नहीं है बिल्कुल भी। साथ ही मैं चाय बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि आपसे, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। ये हमने पंजाब कैश एंड कैरी से कुछ माल्टे लिए हैं और यकीन करें ये माल्टे अंदर से इस तरीके से हैं कि बिल्कुल खाली, मतलब आप चीज़ क्या दे रहे हो, ये पाकिस्तान में क्या हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। ये आप देखें कि ये हम लेके आए हैं और ये अंदर से इस तरह कैसे है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो है। और ये आप देखें, ये अगर आपको अभी मैं एक कट करके दिखाऊं ना तो वो भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा। ये मैं दिखाती हूँ आपको निकाल के, तो मुझे बहुत पसंद है, इसको दबाने से ही पता चल रहा है कि ये अंदर से खाली है, इसमें नो रस। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ कैसे कट करूँ, एक हाथ से एक हाथ से, मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, कैसे कट करूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। चलिए ट्राई करते हैं, इसमें मैं मोबाइल आ जाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कट किया और ये कट करने के बाद अगर आप इसको देखें तो ये इसके अंदर ना रस है ना कुछ है, ये अंदर से बिल्कुल सूखा हुआ है। और ये एक ही नहीं, सारे किलों या सारे माल्टे इसी तरह के हैं। तो प्लीज़ पाकिस्तान वालियों, पाकिस्तानियों क्या कर रहे हो हमारे साथ, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। ये फ्रूट हैं और अगर आपने पैसे ही कमाने थे तो किसी और चीज़ में कमा लेते, कम से कम हम हमारे साथ और जो गरीब लोग बेचारे जो मेहनत मजदूरी करके लेके आते हैं करते हैं, तो उनके साथ ये जुर्म ना करेंगे। देखें, अल्लाह हिदायत दे इन सब। हामी अल्लाह हाफिज़, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अल्लाह हाफिज़।